नमस्कार दिव्यमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज हमारे बीच में हैं एक शिक्षाविद हैं, एक उद्यमी हैं, एक प्रगतिशील उद्यमी बोल सकते हैं, शिक्षाविद बोल सकते हैं, श्री विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी हैं अरनी यूनिवर्सिटी के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है हिमाचल का, या देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार हो रहा है, उसके चांसलर हैं। बहुत मिलनसार इंसान हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे इनकी सफलता को और अरनी यूनिवर्सिटी के को किस मुकाम तक ये ले जाना चाहते हैं, ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, दिव्यमाचल टीवी में और दिव्यमाचल स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं दिव्यमाचल टीवी का शुक्रगुजार करता हूँ जिसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोग आप सबके बीच में आने का। थैंक यू सो मच सर जी। यूनिवर्सिटी का जो बेसिक काम है वो शिक्षा है, और शिक्षा का जो ढांचा है वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अरनी यूनिवर्सिटी में आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा मिले जो उनके बेहतरीन कैरियर में उनकी मदद करे? शिक्षा साल भर साल बदलता जा रहा है। जी जी। जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसी शिक्षा बदल रहा है। जी जी। पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे जी जी। जैसे बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम हो गया। जी जी। टेक्नोलॉजी के आने से प्रतिदिन नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, उनको कैसे चलाना है, बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना है जी जी। बच्चों का कैसे प्लेसमेंट करना है, हम उस पर काम कर रहे हैं जी जी। पहले हमारे यहाँ 18 कोर्सेज थे, ट्रेडिशनल कोर्सेज थे। पिछले एक साल में सरकार की सहायता से हम लोगों ने 18 से मोर देन 100 कोर्सेज अब चला रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग टॉप 20 में भी नहीं होते थे जी जी। यूनिवर्सिटी जो है पिछले एक साल में हम लोग टॉप 5 में आ चुके हैं। तो वाह, बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हमारी प्रगति कर रही है जी जी। सबसे बड़ा चैलेंज हिमाचल के बच्चों के साथ ये है, उनका अभी भी जो मन ध्यान ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया इस पे ही फोकस्ड है जी। हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज है जो 25,000 बच्चे हिमाचल के बाहर जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं जी जी। उनको कैसे रिटेन करें जी, उनका कैसे मार्गदर्शन करें जी जी, उनकी कैसे काउंसलिंग करें जी जी। मैं पर्सनली अपने यूनिवर्सिटी बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, मेरे वाइस चांसलर डॉक्टर साहू हैं, चेतन विकास जी हैं जी जी। बच्चों के बीच में जाके, फैकल्टी के बीच में जाके काउंसलिंग करते हैं जी जी, कि आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका मिशन क्या होना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर निकल के आए जी जी। उनको ये नहीं पता कि 5 साल बाद हमें कहाँ स्टैंड जी जी। उन्होंने जो चीज़ मीडिया पे देखी, जो सोशल मीडिया पे वो लोग देख रहे हैं उसी को ये लोग फॉलो करते हैं जी। हम लोग ग्राउंड लेवल पे उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं कि आपका मिशन और विजन क्या होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को बताते हैं, आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चों को हम एग्जांपल्स देते हैं। अभी हिमाचल के बच्चों को ना डाटा साइंसेस का पता है, ना अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, जो आने वाले टाइम में फ्यूचर है बच्चों का भी और भारत का भी जी। हम लोग बच्चों को एग्जांपल्स दे के समझाते हैं जी। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग करें, उनके पेरेंट्स उनके गार्जियन के बीच में जाके उनकी भी काउंसलिंग करें जी। जिससे कि बच्चा हिमाचल में ही रिटेन रहे, बच्चा हिमाचल में ही रहे, हिमाचल बाहर ना जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले जी। विवेक जी, आप बात कर रहे थे पाठ्यक्रम की, आपको क्या लग रहा है कि जो पाठ्यक्रम अभी तक यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो देश की या उस जहाँ भी वो पढ़ाया जाता है उस राज्य की उस क्षेत्र की कितनी की जरूरतें पूरी करते हैं? जो कोर्सेज अभी पढ़ाया जा रहा है जी, वो अप टू डेट नहीं है जी। अभी जो बच्चे हैं, कल भी मैंने बच्चों का बीच में गया काउंसलिंग की बच्चों की जी जी जी। मेरे को दुख भी हुआ, बहुत से बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी जी जी। उनको अभी टेक्नोलॉजी का नहीं पता जी जी जी। अभी उनके लाइट भी नहीं है जी जी। उनके इन्वर्टर भी नहीं है। हम लोगों का सबसे पहले फोकस है बच्चों के बीच में जाएं, उनको ग्राउंड लेवल पे समझाएं, उनको परिभाषा समझाएं क्या शिक्षा है, क्या उनका फ्यूचर होना चाहिए। फिर पहले उनको ग्रूम करना है, उनको पहले पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे उनका काम करना है। उसके बाद जब वो ढल जाएंगे अच्छे से पढ़ाई में, फिर उनकी प्लेसमेंट पे हम लोगों को काम करना है। कोशिश करेंगे 100% बच्चा प्लेसमेंट होके बाहर निकले।
अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि यूजीसी या जो विभिन्न सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, उनको कौन से ऐसे विशेष काम करने पड़ेंगे जिससे उद्योग जगत और कॉरपोरेट जगत की जरूरतें जो विश्वविद्यालय पूरा कर सके। यूजीसी और सरकार जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज हैं। जी जी, मेरा जो मानना है जी जी, यूजीसी का इसमें कोई रोल नहीं रहता है जी, वो एक आपकी फ्री गवर्नमेंट की एक संस्था बनाई गई है जो मॉनिटरिंग करती है। तो बस यूजीसी और सरकार को एक प्लेसमेंट ड्राइव चलाना चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटी डेवलपमेंट के कोशिश चलाने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की कोशिश पे फोकस करना चाहिए। जी जी, जब बच्चा स्कूल से निकलता है डे वन उसको डेवलपमेंट, उसकी स्किल जो है उसकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए हमें काम करना चाहिए। जी जी जी, उसके लिए सरकार को और हमारे यूजीसी को ध्यान देना होगा। आपने विदेशों में भी काम किया, विदेशों का भी अच्छा खासा अनुभव आपके पास है डिफरेंट फील्ड का, आप क्या समझते हैं कि आप किस तरह से उस अनुभव को अपने विश्वविद्यालय में बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उसका लाभ बच्चों को मिले और बच्चे उस तरह से आगे बढ़ सकें। जैसे आप बता रहे हैं जी, अभी अरनी विश्वविद्यालय को न्यूयॉर्क के अंदर जी ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड हम लोग को मिला था। बहुत सिटी यूनिवर्सिटी ने इसको कंडक्ट किया था। जी जी, सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी जी जी, सिटी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है ब्रॉक्स कम्युनिटी कॉलेज, उसने मुंबई के अंदर अपना एक वेदर स्टेशन लगाया हुआ है। जी जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हिमाचल एक हमारा अच्छा एक ग्रीन स्टेट है, आप यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ भी अपना एक वेदर स्टेशन लगाइए। जी, उन्होंने मेरे को मेरा जो रिक्वेस्ट था उसको मान लिया है। अपनी कॉलेज से अप्रोक्स 30-40 स्टूडेंट्स ये लोग सितंबर में भेजेंगे। अच्छा, अपना वेदर स्टेशन हम लोग अरनी विश्वविद्यालय के अंदर लगाएंगे। जी 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 जी, हम लोग कोशिश करेंगे अपने बच्चों को ग्रूम करें, जैसे ही उनका एक 40 बच्चों का ग्रुप आएगा हम भी कोशिश करेंगे 10-15 बच्चे अपने विदेश भेजें। बहुत बढ़िया, जिससे उनको एक्सपोजर मिलेगा। जी जी, सबसे अच्छी बात है हमारे हिमाचल हमारे इंदौर का नाम होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपको इस नेक काम के लिए। अभिव्यक्ति जी, एक चीज़ और बताइए कि आप ना टैलेंट पे कंसंट्रेटर होकर काम कर रहे हैं, टैलेंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये सोच आपको कहाँ से मिली, किस तरह से? यूनिवर्सिटी अदरवाइज विश्वविद्यालय तो सिर्फ बेसिक एजुकेशन पे फोकस करते हैं, आप टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं। देखिए, बच्चा जो है जब छोटा होता है जी, जब माँ बाप उसको सिखाते हैं जी जी, उसको टॉफ़ी का एक लालच दिया जाता है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे तुम्हें हम टॉफ़ी देंगे साइकिल देंगे। जी जी जी, अब जब माँ बाप अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को तो सेम मुझे भी फील आता है जब हमारे माँ बाप ने हमें अप्रिशिएट किया, बच्चे स्कूल कॉलेज में आए। जी जी जी, स्कूल कॉलेज में आने के बाद वो मेरी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जी जी, उनका ध्यान रखना, उनका खाना कैसे बनता है, कभी कभार हम खुद कोशिश करते हैं उनको खाना सब होने से पहले हम वो खाना खुद खाते हैं, कभी कभार हम उनके लिए खाना भी बनाते हैं, बच्चों को क्वालिटी फूड मिले क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम लोग बच्चों जो टैलेंटेड बच्चा होता है अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे बच्चा कभी ग्रूम नहीं करेगा। जी जी, हम बच्चों के बीच में जाते हैं काउंसलिंग करते हैं, हमें लगता है कि वो उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और सबके सामने हम उसको जो टैलेंट होता है चाहे वो टोकन ऑफ मनी होता है या टोकन ऑफ गिफ्ट उसको सेम टाइम हम लोग देते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट हो और आगे अच्छे से पढ़े करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल है कैरियर में और विश्वविद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं तो ओरिएंटेशन तो एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस दिशा में क्या आप काम कर रहे हैं? ओरिएंटेशन में बच्चों को ग्रूमिंग करना बड़ा ज़रूरी है जी, बच्चों को जो भी उनका सब्जेक्ट्स है जी, उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर प्लानिंग उनको पता होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे उनको पता होना चाहिए क्या रूट्स हैं जी, जी, उसका क्या इम्पैक्ट उनके फ्यूचर पे पड़ेगा जी, जी, इस चीज़ को बच्चों को डे वन से जैसे वो गार्जियंस के पास से आता है हमारे पास, हमारी पूरी कोशिश पहले दिन से होती है बच्चे को ओरिएंटेशन पे काम करें जी, 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 उसका रूट स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाएं, चाहे उसके लिए हम इंडस्ट्रीज विजिट कराएंगे चाहे उसके लिए हमें बाहर निकालना हो हिमाचल से उसको बाहर लेके जाएंगे जी। अच्छा देखिए, कैरियर के लिए बच्चे की या छात्र की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अमूमन आप देखते हैं कि हिमाचल एक ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव से बच्चे आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो पाती है, तो यूनिवर्सिटी उस दिशा में क्या काम कर रही है? ये आपने अच्छी बात बताई है हिमाचल के बच्चों के लिए जी जी, जो मोस्टली बच्चे हैं हिमाचल के चाहे चंबा के हो गए चाहे इंदौरा के हो गए कांगड़ा के हो गए, ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं जी जी जी,
हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर से फैकल्टी हायर कर रहे हैं बच्चों को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज एक प्लेटफॉर्म हो गया है फॉर MBA या BBA स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए हम एक महीने का या छः महीने का सर्टिफिकेशन कोर्सेज चला रहे हैं जी। जो बच्चे टेक्निकल से जैसे अपना BCA हो गया, MCA हो गया, इसके लिए हम पाइथन हो गया या C++ लैंग्वेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं जी। बच्चों को डिग्री के साथ एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाए जी। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर से जो हम लोग फैकल्टी हायर करेंगे इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, इनके बिहेवियर पे, इनका वोकैबुलरी पे, जिससे कि बच्चे अपने को ग्रूम करें, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जिससे कल ये एक नौकरी के लिए जाएं, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक नौकरी के लिए जाएं, वहाँ इनका जो प्लेसमेंट है हम लोग कोशिश करेंगे 100% ना सही 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जी। बच्चा एक बार फेल करेगा हम उसको मोटिवेट करेंगे, दो बार फेल करेगा हम उसको मोटिवेट करेंगे जी। बच्चे के अंदर क्वालिटी होगी, हम लोग 100% कोशिश करेंगे उसका प्लेसमेंट हो, उसका मोरल कहीं डाउन ना हो जी। और ग्रीन कैंपस क्या बात कर रहे थे, ग्रीन कैंपस क्या है और अर्नी यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह से मतलब वहाँ अप्लाई कर रही है और आपके क्या एफर्ट्स होते हैं? हिमाचल जो हमारा स्टेट है जी, ये आप जानते हैं पहाड़ों के लिए मशहूर है, ग्रीनरी के लिए मशहूर है, टूरिज्म के लिए मशहूर है जी जी। एक इनिशिएटिव है, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज की डेट में जो है जी जी। हमें जो अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क में ग्रीन कैंपस को लेके बना है जी। यूनिवर्सिटी में 19 अप्रैल को CM साहब का दौरा था, इसी की पहल में हमने CM साहब से रिक्वेस्ट करके प्लांटेशन कराया था, इसी में एक कदम आगे चलते हुए हम लोगों ने 2000 पेड़ अपनी यूनिवर्सिटी में लगाए हैं जी जी जी। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, लोगों के लिए, कि हम पेड़ भी लगाएं, अपना जो एनवायरमेंट है उसको ग्रीन एनर्जी के साथ काम करें। मेरे कैंपस में जो लाइट्स मोस्टली का हम लोग कवर करते हैं वो सोलर के थ्रू आती है, बहुत बढ़िया। जो मेरे कैंपस में हम लोग जो ई रिक्शाज हम लोग यूज़ करते हैं अपना अंदर विजिट्स करने के लिए, जो भी बाहर से विजिटर्स आते हैं उनको ई रिक्शा के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना कम से कम डीजल का या पेट्रोल का यूज़ हो उस पर हम लोग करें, हम लोगों के अपना STP प्लांट है जी, जो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अर्नी यूनिवर्सिटी की USP क्या है कि कोई भी बच्चा वो अर्नी यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता क्यों दे? अर्नी विश्वविद्यालय प्राथमिकता इसलिए है, हम लोग बच्चे का जो क्वालिटी है उसको सुधारने में काम कर रहे हैं जी। बच्चों के ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाए, बच्चे की पहचान बनेगी उसके साथ यूनिवर्सिटी की भी पहचान बनेगी, उसके साथ हिमाचल की भी पहचान बनेगी जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव हमने लास्ट अक्टूबर में भी चलाई थी, हम मंथ ऑन मंथ प्लेसमेंट ड्राइव भी चलाते रहेंगे जिससे कि बच्चों का मोराल भी अप रहे जी। बच्चों को नौकरी मिलेगी तो हिमाचल का भी नाम होगा, हिमाचल में भी रेवेन्यू जनरेशन होगा। विवेक जी, समय की ज़रूरतें समय के अनुरूप बदलती रहती हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका है के साथ सामने आई है, अर्नी यूनिवर्सिटी भी सुना है कि कुछ ऐसा कुछ करने जा रही है विशेष, जहाँ की हिमाचल के कुछ बच्चे ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख सकें, पढ़ सकें और उनको बाहर देश विदेश में दौड़ना ना पड़े। आने वाला समय जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डेटा साइंस का है जी जी। हम लोग सरकार के साथ पहल करी है हम लोगों ने कि हम लोग को ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन स्कूल जी, या ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का एक सेंटर दे दिया जाए जिससे कि हिमाचल के जो मंड क्षेत्र है यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिले जी जी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया पहल है। आपने देखा होगा कि हिमाचल एक फिल्मी जो दुनिया है उसकी भी एक बहुत बड़ी पहली पसंद बनता जा रहा है, बहुत सी शूटिंग हिमाचल में होती हैं, तो क्यों नहीं हिमाचल के जो बच्चे जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप कोई पहल करते हैं, उनके लिए आप कुछ करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग गवर्नमेंट का मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल है जी, उसके साथ टाई अप कर रहे हैं जी। जैसे इसमें सुभाष गई जी हैं, ये भी इसके मेंबर हैं जी जी जी। तो जल्दी एक सेंटर हम लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फिल्म मेकिंग वगैरह में जी, या एक्टिंग में हैं, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग जल्दी देने वाले हैं जी जी। हिमाचल एक और कम से कम वो क्षेत्र जहाँ अर्नी यूनिवर्सिटी है वो बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है,
अगर शिमला को एप्पल बेल्ट बोला जाता था तो उसको भी मतलब आप समझिए संतरा नींबू हम सिट्रिक जो फ्रूट हैं उसके लिए जाना जाता है। तो उस दिशा में क्यों नहीं आप कोई नए कोर्सेज शुरू करते हैं ताकि हिमाचल के जो बच्चे हैं वो इस रीजन के जो बच्चे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ नई शिक्षा ग्रहण कर सकें। अभी हम लोगों ने 200 ट्रीज के जो अपने आप फ्रूट्स के बता रहे हैं, इसमें ऑरेंजेस हो गया जी जी, इसमें मैंगोज हो गया जी, इसके हम लोगों ने जो ट्रीज हैं प्लांटेशन कराया था जी जी मोर देन 200। अभी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसमें हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं जी जी। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ का लोकल आदमी है तो कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज आएगा यहाँ से जो भी फ्रूट्स आएंगे या मैंगोज जो भी मैंगोज आएगा इनका हम पिकल बना के मार्केट में फिर इसको हम लोग सेल करेंगे। विवेक जी एक और जो प्रश्न है वो है कि जो हिमाचल के जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। पढ़ाई तो सारे विश्वविद्यालय करा रहे हैं पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ बहुत कम ध्यान है। मैंने नहीं देखा कि निजी विश्वविद्यालय किसी कोई बड़ी स्पोर्ट्स मीट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होते हों। तो अर्नी यूनिवर्सिटी क्या इस दिशा में कोई पहल करेगी? इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स का भी उतना ही इक्वल रिक्वायरमेंट है बच्चे के लिए जी जी। जैसे पढ़ाई है वैसे स्पोर्ट्स भी जी जी। बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहेगा जी जी। तो ब्रेन उसका शार्प भी होगा जी जी जी। स्ट्रेस फ्री रहेगा जी जी जी। इसी कदम में हम लोग आगे चलते हुए हमने गुजारिश की थी मेजर कौशिक साहब से जो हमारे रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन साहब हैं जी जी। आज तक जितने हम लोग 18 से ऊपर यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं हिमाचल के अंदर आज तक कभी भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हुई है। इस बार जुलाई में अर्नी विश्वविद्यालय पहली बार जी जी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने जा रहा है जी जी, जिसमें 20 से ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होंगे। तो ये अपने आप में पहली बार इंटर यूनिवर्सिटी एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है हिमाचल के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, हिमाचल में भी अच्छे मतलब ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ओलंपिक स्तर पर मेडल जीते हैं। शूटिंग एक उसमें बहुत बड़ी मतलब एक सब्जेक्ट है, क्या उस दिशा में भी कुछ हम विश्वविद्यालय को देखना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के बच्चे विश्व भर में अपना नाम रोशन करें जी। इसी पहल में एक कदम आगे चलते हुए हम लोग शूटिंग रेंज खोल रहे हैं अर्नी विश्वविद्यालय के अंदर। जल्दी एक इवेंट हम लोग जल्दी ऑर्गेनाइज कराएंगे दिव्य हिमाचल के पैनल के साथ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिक्षाविदों के लिए या जो छात्र हैं उनके लिए आपका कोई विशेष संदेश आप चाहते हो कि दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से लोगों को पता लगे? मेरे बच्चों से गुजारिश सिर्फ एक ही है, नशे से दूर रहें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखें। हम लोग अर्नी विश्वविद्यालय की टीम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी काम कर रही है। अर्नी यूनिवर्सिटी की टीम अपने एक एफएम स्टेशन भी लॉन्च कर रही है, ग्राफिक्स के कोर्सेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों से गुजारिश की है नशा को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दें। विवेक जी आप दिव्य हिमाचल स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जब भी आपको समय मिले आप यहाँ जरूर आएँ। थैंक यू जी, बिल्कुल साझा करें। तो ये थे विवेक सिंह जी, चांसलर अर्नी यूनिवर्सिटी। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।